नाम क्या है आपका? कहाँ, कौन से रोडवेज में हो महेंद्र जी? कहाँ कहाँ लोकेटेड हो? लखनऊ टू सोनभद्र। कहाँ के रहने वाले हो आप? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के रहने वाले हो? इतनी जल्दबाजी में क्यों थे, हॉर्न बजाते हुए क्यों आ रहे थे? सबको पास दिया मैंने। नहीं नहीं, आप हॉर्न बजाते पास दिया मैंने, और ये आके गाड़ी में कैसे ठोक दिया? मैं ब्रेक लिया, हमको रोका, गुंडे सब नशे में, इनको वीडियो लो, इनका वीडियो लो जो नशे में है। एक बैग लिया। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं आ रही है। मुंह से बदबू आ रही सीधे? हमारे हाथ चेक होती, मशीन चेक होती, गाड़ी का। ये सुनिए, इस्तापुर चौराहे हम खड़े थे, हाँ, वहीं पे बगल से निकला और गाड़ी का टूटते हुए निकला। दारू भी पिए हुए भैया। लखनऊ से बाइक से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कट मार रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। यह लखनऊ से सोनभद्र जाने वाली एसी जनशताब्दी बस सेवा है। योगी का राज है। ड्राइवर साहब को लगा होगा कि दारू पीकर मस्त गड्ढा मुक्त सड़क पर सरपट दौड़ सकते हैं और समाजवाद या आम जनता जो भी आगे रास्ते में पड़े उसको रौंदते हुए, कुचलते हुए, मसलते हुए, मारते हुए। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गोद दिल्ली तक। चुनाव का माहौल अलग है, लेकिन आम आदमी सड़क पर अपनी जान कैसे बचाए यह इन आदमियों से देख सकते हैं जो लखनऊ से बचते बचाते रायबरेली तक तो आ गए, लेकिन रायबरेली तक पहुंचते पहुंचते दारू पीकर मस्त गाड़ी चलाने वाला योगी जी का यह बस ड्राइवर, यानी उत्तर प्रदेश रोडवेज का यह ड्राइवर जो अपना परिचय खुलेआम दौड़ रहा है, खुद वीडियो बना रहा है, नशे में धुत है और लोगों को नशेड़ी बता रहा है, तीन चार गाड़ियों को ठिकाने लगा चुका है। गनीमत ये समझिए कि दिन का समय था और सब लोग लखनऊ से इसके पीछे पड़े हुए थे और ये रायबरेली में आकर अपना कांड करने में कामयाब हुआ, लेकिन जान माल की नुकसान नहीं हुई, गाड़ियां तो जो बर्बाद हुई। आप देखिए पूरा वाकया। अगर योगी के सरकार और अधिकारियों में थोड़ा सा भी दमखम होगा तो इस ड्राइवर को ना सिर्फ सस्पेंड करें बल्कि इसको जेल में डालें, क्योंकि यह इसमें बैठे हुए यात्रियों की जान की सुरक्षा ना करते हुए उनको मौत के मुंह में दौड़ा रहा था और सर पर दौड़ा रहा था। इसके गवाह हम सब हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी गाड़ी टूटेगी उसको गुस्सा भी आएगा, लेकिन इसकी दादागिरी है, यह योगी राज में है, सरकारी आदमी है, सबको जेल भेज सकता है। खुद यह भूलते हुए कि योगी जी लगातार सबको तड़ी पार करते हुए जेल भेज रहे हैं। पहले देखिए पूरा वाकया। नशे में भी है, हॉर्न बनाता हुआ आ रहा था एक घंटे से, गाड़ी में टक्कर भी मारी है और अभी वीडियो बना, अभी दो मिनट में न्यूज में जा रही, चिंता मत करो तुम। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कहाँ, कौन से रोडवेज में हो महेंद्र जी? कहाँ कहाँ लोकेटेड हो? लखनऊ टू सोनभद्र। कहाँ के रहने वाले हो आप? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के रहने वाले हो? इतनी जल्दबाजी में क्यों थे, हॉर्न बजाते हुए क्यों आ रहे थे? सबको पास दिया मैंने। नहीं नहीं, आप हॉर्न बजाते पास दिया मैंने, और ये आके गाड़ी में कैसे ठोक दिया? बैग ब्रेक लिया, हमको रोका, गुंडे सब नशे में, इनको वीडियो लो, इनका वीडियो लो जो नशे में है। एक बैग लिया। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं आ रही है। मुंह से बदबू आ रही सीधे? हमारे हाथ चेक होती, मशीन चेक होती है, अभी 100 नंबर आ रही है, पुलिस अभी चेक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये शताब्दी एसी है लखनऊ टू सोनभद्र, ये इनकी गाड़ी में टक्कर मार के आई है। आप कैसे, टक्कर इसने कैसे मारी? अरे रतापुर चौराहे हम खड़े थे, हाँ, वहीं पे बगल से निकला और गाड़ी का टूटते हुए निकला। उसके बाद ड्राइवर जो है दारू भी पिए हुए है भैया, दारू पिए हुए है, नहीं तो नशे में है तो बता रहा है नशे में। उसके बाद हम इसको रुकवा रहे हैं तो रुक नहीं रहा, आगे गाड़ी में ठोक दिया, पीछे से भी, आगे तो रुकी है पीछे भी ठोक दिया। नहीं, क्योंकि हॉर्न बजाते हुए तो भी नहीं रहा है, हॉर्न बजाते हुए तो काफी दूर से आ रहा था ये। तो आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया नहीं किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने? नहीं, ठीक है। अरे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में धक्का मारते हुए चला आ रहा है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है। लखनऊ से देखते हैं, लखनऊ से बाइक से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कट मार रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। देखिए चश्मदीद हैं और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि गाड़ी पर यह किस तरीके से हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था, हमें पता था यह कोई न कोई आशंका जरूर करेगा। इस रोडवेज पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ये देखिए क्या बोला इसने, क्या कर रहा था ये? ड्राइवर
ये सुनिए, इसके कारनामों के गवाह पूरा लखनऊ से लेकर रायबरेली तक सारे हैं।